अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैरा वसीम। कैसे हैं आप सब जी? अभी सुबह का टाइम है, हनान को उठाते हैं, हनान को स्कूल के रेडी करते हैं, उसका यूनिफॉर्म कपड़े कल आपके सामने देते हैं। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप पूरे दिन की रूटीन बताएं, अपने कितने दिनों से आ रहे थे। जो कल पूरा वॉक दिया वो भी एक रूटीन थी हमारी, और वो था क्या कहते हैं, शाम से सुबह सारी तक था। अब ये सुबह से शाम तक का व्लॉग होगा, तो ये जी हमारी डेली की रूटीन है। अगर एक दिन में व्लॉग हूँ ना, तो घंटे का व्लॉग कहीं नहीं किया, तो ये हमारी व्लॉग ही है, रूटीन ही है व्लॉग में जो आप देख रहे हैं। तो मीरा जी, आपको हमारी ये रूटीन अच्छी लगेगी। अभी उठते हैं जी, हनान का यूनिफॉर्म लेके आते हैं, कपड़े धोते हैं, वो प्रेस करते हैं, हनान को उठाते हैं, स्कूल के रेडी करते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं। ये जी भाई, मैंने दे देना हनान का यूनिफॉर्म लटका लिया, फिर मैंने कहा सुबह सानी रहेगी, तो अभी हनान का यूनिफॉर्म अंदर लेके चलते हैं, इसे प्रेस करते हैं, फिर हनान को उठाते हैं। हनान का जी यूनिफॉर्म इस्त्री कर दूँ, फिर हनान को उठा के रेडी करते हैं, लंच बॉक्स रेडी करके देंगे उसे। सोने के तरीके देख ले, हनान हनान उठ जाओ। ये क्या लगा, चोट लगी? चल उठो मेरा बेटा, चल जी उठ जाओ, टाइम हो गया। हनान को जी अभी रेडी कर दिया, पानी वाली बोतल लंच बॉक्स भी रख दिया। हम जिस दिन बाजार जाएंगे इंशाल्लाह, मैं हनान की बोतल भी लेके आएंगे, ठीक है, दूसरी वाली, वो जो पहले थी, जो एक मासो घर रह गई थी, एक हनान की घूम गई थी। तो हनान कह रहा है मैंने साइकिल पे नहीं जाना, मेरी साइकिल का स्टैंड नहीं। अंकल कहते हैं मुझे सारी साइकिलें पीछे करके आपकी साइकिल लगानी पड़ती है। तो आज हनान स्कूल से आएगा, हम लोग स्टैंड लगवाने जाएंगे, ठीक है। बाकी हनान मेरा बिल्कुल रेडी है, चलो बैग पहनो, चलो जाओ मेरा बेटा, ले देंगे, चलो जाओ। बहुत देर पहले थी उसके पास, इससे वो ख़राब हो गई थी, अब कह रहा मैंने वो बोल नहीं ऐसे ऐसे अब दबाना। हाँ जी चलो ठीक है, चलो जाओ, चलो जाओ, बाय बाय। हनान जी स्कूल चला गया, उनके कपड़े भी सूख गए, ये वाले उतार लेती हूँ, ऊपर वाले ठहर के उतार लाऊंगी। हनान चला गया जी स्कूल, वसीम चला गया कहाँ पे, घर सारा टोटली मैंने नेट क्लीन कर दिया। तो अभी मैं भी फ्री हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फिर हनान आएगा, फिर बच्चों को ना खाना छाना बना के देंगे। ना गुस्से हो जैफा, मैंने आंटी को बता के माना रोटी भी खाया करो आप। अंडा सारा खाया था, हनान स्कूल से आ गया था, इन्हें मैंने रोटी बना के दी, ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर मित्रों बैठूंगी। वसीम ना दो अंडे ला के दिए थे, एक अंडा ना मेरे से ना हाथ से गिर के टूट गया, मैंने दो पीस किया वो नीचे ही गिर गया, फिर एक ही अंडा मैंने दोनों को ना आमलेट टाइप बना के कर दिया। जी खा लो, जल्दी खाओ ना, अभी ट्यूशन का टाइम हो रहा है। और कपड़े ना मैं छत से भी उतार लाए थे, देखो सारे कपड़े ये छत वाले हैं, और ये जो पाइप डाले हुए थे, अभी सोफ़ा पे भी ना आके कपड़े चढ़ाती हूँ, अम्मी घर से हूँ वापस, फिर वो ना मैदा वगैरह लेके आना है रोल समोसों के लिए। पानी पीना, अच्छा मैं देती हूँ, लाओ तो पानी पीना। और है ना ये बोल भी लिया था, ये वाली सुबह बोल के आ रहा था जो मशीन में लेके दी, फिर ये देखो कितना मजा लाता है ये देखो। अच्छा अच्छा दे रही हूँ, दे रही है, कितनी अच्छी है ये। चलो जाओ जी, दोनों भाई ट्यूशन जा रहे हैं, मैं नमाज पढ़ के फिर रहा हूँ, मुझे देर हो जाने। उसे कजूर की शर्ट ठीक कर, शर्ट ठीक कर, कैसे शलवार में घुसाई हुई, हाँ सही कर, शाबाश, चलो जाओ, बाय 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 बाय। बच्चों को ट्यूशन की वजह काफ़ी टाइम हो गया, मैंने पढ़नी थी नमाज, तो फिर मैं नहीं गई, मैंने कहा नमाज वगैरह पढ़ के सुकून से जाऊंगी, पहले बर्तन धोए फिर नमाज पढ़ी। अपनी शहजादी को प्यारी सी पोनी डाली है, तो अभी हम लोग जाने लगे। इधर आओ दिखाओ, मुंह धोने वाला मुंह देख कितना गंदा कर लिया, खड़े हो खड़े हो खड़े, बिस्मिल्लाह, ये देखे कितनी प्यारी पोनी पहनी, छोटी सी है ना, खजूर का दरख्त, कितना गंदा बुगा किया। तभी हम लोग चलते हैं जी अम्मी की तरफ, थोड़े वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ ना दुपट्टा छोड़ा मेरा, फिर वापसी पे आते हुए ना मैदा, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, हाँ ये चीज़ें लेके आएंगे, जो वेजिटेबल और चिकन वाले रोल समोसे बनाने हैं ना, वो आज घर ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ना मैदा लेके आऊँगी, सिर्फ आधा किलो, अगर सही बने तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लेके, अभी सिर्फ ट्राई करना है ना। तो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चलो, हम लोग जी भी जा रहे हैं अम्मी के घर, उन सबरे भले कहना, इसको क्या पोनी कहती, छोटी ही सी पोनी डाली हुई है ना, इतनी प्यारी प्यारी लग रही, आई चक्कर जाऊँ। देखा मैंने क्या कहा था, उन्होंने कहना इन्नी सी पोनी क्या कहती है, बाजी मटर बना, देखे मेरी बेटी काम करती है, सारे काम सारे काम, चलो मटर बना के दो, करिए आप बनाओ, तो आप भी बनाओ ना, अम्मी गई हुई है जी, तो खजूरे पानी देने सबको। हम लोग जी अम्मी की तरफ आए हैं, मानो मेरी खेल रही है, मानो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बैठ कर खेल रही है। अम्मी गई है दादी वगैरह की तरफ, खजूरे पानी वगैरह देने खा लेंगे, की तरफ भाभी पर बच्चे पर आ रही है, अभी नीचे है, ये देखे बाजी के पास बच्चे आती है सब, ये वो है चाइनीज है ना, ये तो नहीं समझ आ रही क्या लेके, चाइनीज ही लग रही है। एक पेज क्यों खाली छोड़ा था,
बोली आपने भी ऐसे लिखा करना, ठीक है ना, अभी इसको समझ आए ना मामा को। अच्छा अच्छा इधर से लिखा, डैडी बड़ी की हो गया मेरा तेन छोड़। हाँ प्यारा लिखा हुआ यहाँ पे तो, वन क्लास के नान के साथ ही है। चलो छोड़ दो, इसे बड़ा शौक है जब पढ़ना ना, इसने नहीं पढ़ा करना, इसने कहना मैं नहीं जाना ट्यूशन। मानो देखो छोटा बेबी बन गया, कह रही मुझे झली में लिटाओ, फिर मैंने लिटा दिया, अब करी झूले दो, निकल आओ भाई, ये देखना, चलो आ जाओ भाई, ये देखती नहीं आना, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, कहती नहीं आना, चलो छो जाओ, नहीं ना कर लो, अल्लाह अल्लाह। चलो चलो छोटे बेबी आ जाओ भाई घर, चले आ जाओ घर, चले आ जाओ आओ चले, कह रही नहीं जाना झली में लेटे, अभी काफी टाइम हो गया, अभी हम लोग घर चलते हैं चीजें वगैरह लेने बाजार से। मानो आ जाओ, मैं जा रही हूँ फिर, बाय बाय, चला जाओ, चले चलाओ, चले चले ऐसे देखे जाऊं, आओ बाहर निकाल, क्या है, चला आ जाओ आ जाओ, चलो चले चलो चले चलो, 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 चलो मानो आ जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप पे, रोज मोसे के लिए सारी चीजें रहते हैं, फिर हम लोग जाएंगे घर, फिर अपनी तैयारी करेंगे तारीख की। मानो मेरी यहाँ पर अपनी चीज खा ली है, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बैठ के नहीं पता लगता कि बाहर इतनी धूप इतनी गर्मी है। अभी मैं थोड़ा सा चल के बस शॉप पे गई की मैंने बस होगी, मैदा मैंने कहा था आधा किलो लेके आऊँ, कहता बाजी तीन पापड़ा हुआ है 150 का, मैंने कहा दे दे, फिर ये सब्जियाँ लेके आई हूँ, बंद गोभी घर भी पड़ी हुई है, मैंने कहा वो भी डाल लेंगे जी, ये भी खो दो, अभी थोड़े सांस है, फिर पहले अपना मैदा गूंदेंगे, मैदा थोड़ी ठहर जाएगा, फिर अपनी सब्जियाँ वगैरह रेडी करेंगे, चिकन है वो पड़ा हुआ है, वसीम मुझे लाए थे ना गोश्त बनाने के लिए, जो फल वगैरह आए थे बिरयानी सॉरी, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा ना रख लिया था, छोटी छोटी दो चार बोटियाँ, मैंने कहा चल थोड़ा सा मसाला ही बनाना है ना, अगर ठीक बन गया ना, अगर सही बने फिर इंशाल्लाह ज़्यादा बनाओगे, तो सिर्फ एक टेस्ट ही करना है सही होते हैं कि नहीं। अभी जी जो मैदा है वो यहाँ पे मैं छान रही हूँ, थोड़ा सा ही लिया बस ना, ट्राई करना ना, अगर सही बने तो इंशाल्लाह कल फिर ज़्यादा बनाऊँगी। बिल्कुल साफ था जी, ये हो गया, अभी हम इनको भूनते हैं, इसके अंदर ना सिर्फ नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना, थोड़ा सा ही डाल तो तेज ना हो जाए बस, तो अभी इसको मैं भूनती हूँ। मैदा जी यहाँ पर मैंने अपना गूंध लिया, ना ज़्यादा पतला किया है और ना ही ज़्यादा से कहते हैं ना सख्त, वो है नॉर्मल सा है, अभी देखते हैं क्या बनेगा, इसको थोड़ी देर रख देते हैं ठहर जाए, उतनी देर ना मैं सब्जियों वगैरह कटिंग कर लेती हूँ, इसको फ्रिज में रख देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, अल्लाह करे ठीक ही बने। तो ये अपने सब्जियां वगैरह काट लेती हूँ, और चिकन की छोटी छोटी दो चार ना बोटियाँ वो उनको ब्रिक ब्रिक करके ना इनके साथ ही फ्राई कर लूँगी सब्जियों के। चलो आ जाओ मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैंने वो दुपट्टा चेंज किया बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा ये ले लो, तो मेरे पीछे पीछे आ रही मैं कहीं जा रही हूँ, तो सब्जियाँ मैंने वॉश कर दी जल्दी से, अपनी सब्जियाँ कटिंग कर दिया, आ जाओ आ जाओ। सब्जियाँ जी सारी मैंने कटिंग कर ली, जो चिकन था ना थोड़ा सा उसके मैंने छोटे 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 बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ कर ली, लहसुन का भी पेस्ट बना लिया, तो अभी जी हम लोग ना अपना जो ना रेडी करते हैं सारा मसाला रोल समोसे के लिए। लहसुन अदरक जी घी में ब्राउन करके ना जो चिकन था ना मैंने उनको डाला, मैं चिकन को डाल के ना अच्छे तरीके से भून दी, फिर सारी सब्जियाँ डालूँगी, चिकन को अच्छे तरीके से भून कर दी मैंने, जो सारी सब्जियाँ ना वो डाल दी, इन्हें अच्छे तरीके से भून के ना फिर हल्का सा पानी लगा के ना एक पजामा किधर जा रहा है, पहुंचाई किधर जा रहा है, इधर लाओ पजामा सही करो, आज लो कैम मुझे दे दो, मानो मानो क्या कर रही, क्या कर रही, मानो वो टीवी देख रही, इनका टीवी। चलो मसाला यहाँ जी जो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब ये ठंडा हो जाए ना तो फिर हम इसके ना रोल और समोसा, यहाँ हमारा जो मसाला वो भी ठंडा हो गया, मैदा गूंद के था वो भी मैंने खा लिया, ये बनाया लेवी सी वो रोल समोसे बंद करने के लिए, ये थोड़ा सा लगाने के लिए, तो अभी एक बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कैसा बनता है। मैंने सारे मैदे को जी एक बार ही बड़ा कर लिया, अब कटोरी रख के ना तो छोटी छोटी सी ना रोटियाँ टाइप कटिंग करते हैं जी जी जी, छोड़ दो बेबी यार।
फिर आपको दिखाती हूँ। मुझे ना जो मैंने मैदा गूंदा था ना, पहले मैं मैदे के अंदर ही ना वो डाल रही थी सारा जो बनाया था अपना मसाला, और वो बड़े जीप से बने दिख रहे थे। फिर मैंने यूट्यूब पे ओपन किया, फिर उन्होंने जैसा तरीका बताया तो मैंने वैसा तरीका किया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो ना पट्टियों को थोड़ा सा फ्राई करके ना हल्का सा फिर मैंने किया। बखेरे को इग्नोर कीजिएगा, कड़ता लिया मुझे खुद नहीं समझ आ रही। अब मैं इनको ना सेक लगवा लगवा के ना तो कर रही हूँ जी, ये ऐसे कच्ची पक्की तवे पर करके ना मैं इनको आप लोगों को भी दिखा दूँ। सोने ना करो, पीछे हट जाओ, इधर हल्का सा लगा के। अब क्या करूं, अब ऐसे ही बनने हैं। दोनों हाथों से बनूंगी, एक मिनट में आपको बताती हूँ। ये जी ऐसे बन रहे, चूल्हे पे हल्का सा सेक लगवा के फिर साइडों पे ये लगा के लेवी सी जो बनाई है, फिर ऐसे रोल बंद किए मैंने। बच्चे जी अभी खेल रहे हैं, मशीन से आ गए काम से, रोल स्प्रे कर रही, रोल ही बनते भैया बहुत टाइम लग रहा था, मुझे समझ नहीं खेल, बस मैंने थोड़ा सा रोल ही बनाया। मशीन लेके मटर वाले चावल वो डालते हैं, फिर इधर लेके चलते हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। यहाँ जी मैं अपने मटर वाले चावल भी डाल के ले, मैंने वसीम ने खाने, बच्चे कह रहे हमने नहीं खाने, साथ सलाद जो बनाई थी, मीठा पानी है, ये दही, और ये जो मेरे डेंजरस किस्म का रोल मैंने बनाया ये वाला। वैसे खाने में है नान कहते मामा ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या है पकौड़े और फ्राइज भी आ गए, तभी वसीम भी आ गए थे आज काम से। इनसे यही उम्मीद हो जाती है, अभी जी अफ्तारी का टाइम है थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग सारे बैठ गए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فلائز تو کھائے رہے ہیں میں نے کہا رول اٹھا کر دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے بہت مزے کا مزے کا